मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के बिपाशा सदन में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं की पुनः योजना तैयार करने पर विवश किया है। प्रदेश के अधिकारियों को भी अपनी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों की योजना पुनः तैयार करने की जरूरत है। विभिन्न विभागों के पास खर्च न की गई लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि पड़ी है, जिसे चिन्हित कर विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए जो निर्माण के अंतिम चरण में हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति देने के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक 4 में कई रियायतें दी हैं। इसे देखते हुए हमें और सतर्क रहना चाहिए।